हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर एवरी स्ट्रक्चर इंजीनियर्स। प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, कई लोगों ने मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाला, बॉक्स में कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर, मैंने बीटेक किया है, क्या मुझे स्ट्रक्चर की जॉब मिल सकती है क्या? मैंने एमटेक किया है, क्या मुझे डायरेक्ट सीनियर स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है क्या? काफ़ी कन्फ्यूज़न है आप लोगों के पास, तो मैं उस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा दूर करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए जिससे इजीली हम लोग स्ट्रक्चर इंजीनियर की पोजीशन पा सकें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जल्दी से जल्दी टारगेट कम्प्लीट कर दीजिए 5000 सब्सक्राइबर का, तो हम लोग तुरंत कंपेरिजन वाले वीडियोस लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट फॉर एवरी स्ट्रक्चर इंजीनियर इज कोर्स इन द सेंस ACI कोर्स, ब्रिटिश कोर्स या इंडियन कोर्ट। अगर आप इंडियन कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो या इंडियन कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोग इंडियन कोर्ट को अच्छे से पढ़ लो। अगर आपकी जो कंपनी है जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हो, वो US बेस्ड कंपनी है, US के प्रोजेक्ट लेके करती है, आप US के कोर्स, IS कोर्स आपके पास ढेर सारे हैं, US स्टैंडर्ड कोर्स आप देख लीजिए, YouTube पे मिल जाएंगे आपको, Google पे भी मिल जाएगा, उनको पढ़ डालिए, या ब्रिटिश का है तो ब्रिटिश का उनको पढ़ डालिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कोड। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बीटेक मिनिमम होना चाहिए या बी मिनिमम होना चाहिए। एमटेक है तो यार मच बेटर, बट अगर एमटेक नहीं है और आप सोचते हो कि आपको जॉब नहीं मिलेगी स्ट्रक्चर की, आप बिल्कुल गलत सोचते हो। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स बीटेक करके बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर की पोस्ट पर लगे हैं। पहले उनको जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर बनाया जाता है, जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है उनको सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर की पोजीशन पर दे दिया जाता है। तो आप ये डेफिनेटली, अगर आपने एमटेक किया है तो यार बहुत ही अच्छा है, नहीं किया है फिर भी आप पा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सिर्फ कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको अच्छे से फोकस कर लीजिए। पहला है कोड और सेकंड है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग किस पे वेस हो गए हैं अभी, सॉफ्टवेयर वेस हो गए हैं। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छे से आता है, अब आप बोलोगे सर सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो मैंने स्ट्रक्चर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का मैं लिंक आई बटन पे यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। पार्ट 1 का अच्छे से आप उसमें समझ लीजिएगा कौन कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। वैसे मैं आपको बता दूँ, स्टैट प्रो और ऑटो कैड इज इनफ फॉर गेटिंग स्ट्रक्चर इंजीनियर जॉब। अगर आपने पूरा स्टैट प्रो अच्छे से सीखा है और ऑटो कैड अच्छे से सीखा है, आप एलिजिबल हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर की पोस्ट के लिए दोस्तों। साथ ही साथ आपका जो मैनुअल कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है। मैनुअल कॉन्सेप्ट इन द सेंस RCC, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप ऑफकोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर में काम करने जा रहे होगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं। सेकेंड इज आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अगर आपकी स्टील की कंपनी है तो स्टील स्ट्रक्चर, अदरवाइज सोम तो आपको क्लियर होना ही होना चाहिए। सोम अगर क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सोम पहला सब्जेक्ट है, दूसरा अगर आप कंक्रीट स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं तो RCC, अगर आप स्टील में काम कर रहे हैं तो स्टील स्ट्रक्चर। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट आर द लाइक गुड बुक्स, जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं आपको इन सब्जेक्ट को पढ़ने में जो हेल्प करेंगी। तो उस वीडियो को देख के आप बुक्स परचेज कर लीजिए और परचेज करके अपनी स्टडी को फोकस कर दीजिए सिर्फ और सिर्फ 15 to 20 days। अगर आपने अच्छे से मैनुअल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, IS कोर्स पढ़ लिए और स्टैट प्रो और ऑटो कैट पढ़ लिया, कोई भी रोक नहीं सकता है आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर के पोजीशन के लिए। थोड़ा सा अपना HR क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, जो कि आपको YouTube पेज ली मिल जाते हैं। HR क्वेश्चंस मैनुअल में आपको सिर्फ और सिर्फ RCC और सोम पे फोकस करो, कोई और फालतू की चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना इंजीनियरिंग का सिलेबस कितना लेंदी था, उनसे कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली, आप सिर्फ और सिर्फ RCC और सोम पढ़ डालो यार, दो सब्जेक्ट मैंने बोला केवल, और उसके साथ स्टैट और ऑटो कैट, 10 सॉफ्टवेयर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये दो सॉफ्टवेयर अच्छे से कर लो, ठीक है। और उसके बाद इंडियन कोड और अमेरिकन कोड,
क्योंकि अमेरिकन और ब्रिटिश कोड जो मैंने अभी पढ़ा है, अमेरिकन और ब्रिटिश कोड काफी हद तक सिमिलर है। अगर आपको लगता है कि अमेरिकन कोड और ब्रिटिश कोड भी आपको सीखना है, मैंने वैसे इंडियन कोड आपके लिए स्टार्ट किया है, इंडियन का IS-456 मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, आप सर्च कर लीजिएगा, मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगा IS-456 के बारे में। पर अगर आपको अमेरिकन कोड और ब्रिटिश कोड में कोई और कोड चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो, तो आपको जरूर मैं कोशिश करूंगा कि उन कोड्स के भी मैं वीडियोस आप तक लेके आऊं। हाँ, तो ये तीन ट्रिप्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और मैं बोलूँगा, अगर आपके पास टाइम लग जाता है तो, अगर टाइम बचा तो आप MS Excel पे एस्टीमेशन सीख लेना, MS Excel पे एस्टीमेशन सीख लेना। थोड़ा सा टाइम है, मैं भी लेके आने वाला हूँ MS Excel पे एस्टीमेशन, क्योंकि मैंने अभी तक में जितनी इंडियन कंपनीज देखी है, हार्डकोर इंडियन कंपनी देखी है दोस्तों, वो डिज़ाइन के लिए अभी भी MS Excel ही यूज करते हैं। तो अगर आपने MS Excel पे एस्टीमेशन सीख लिया, ठीक है, MS Excel पे एस्टीमेशन सीख लिया, तो ये चौथा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हो जाएगा, और ये चार की पॉइंट्स आपको डेफिनेटली क्रैक करवा देंगे किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर की पोजीशन की जॉब के लिए। आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए कि आप स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं बन सकते हो, आप डेफिनेटली बन सकते हो। चार की पॉइंट्स आप अच्छे से फोकस करके इनको तैयार कर लो, लेकिन ऐसा तैयार करना कि स्टैड में अगर कोई ग्रीड मिलती है 2 मिनट के अंदर चुटकी में सॉल्व हो जानी चाहिए। ऑटो कैड में किसी भी बीम की डिटेलिंग की ट्रफ से ट्रफ ड्राइंग हो, आप 2 मिनट में ड्राफ्ट करके दे दो। और सोम में कोई भी कैसा भी बीम हो और कैसा भी लोड असाइन हुआ हो, चुटकी में उसके लोड को कैलकुलेट करके SFD और BMD निकाल सको और डिफ्लेक्शन निकाल सको। सोम में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, SFD, BMD और डिफ्लेक्शन बस इतना पढ़ो, और RCC में सब कुछ नहीं पढ़ना है, स्लैब बीम फुटिंग स्लैब और कॉलम और स्टेयरकेस की केवल मैनुअल डिज़ाइन पढ़ लो, दैट्स इनफ। इतना ही अगर आप पढ़ लेते हो, क्योंकि देखो यार, कंपनीज ना सब कुछ थोड़ी पूछती हैं आपसे, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन फिक्स है, उनके काम फिक्स हैं, तो क्यों ना हम उनके काम जो है उतना ही पढ़े ना, उनका काम इतना ही लगता है और आप सब कन्फ्यूज होते हो, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक सिलेबस दे दूंगा, उसके बाहर से स्ट्रक्चर इंजीनियर से कोई भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है तो मेरी वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर PPTs साइट पे आपको PPTs मिलेगा, PPT पर जाइएगा, मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के PPT बना के रख दिए हैं, आप डाउनलोड करना और पढ़ लेना, डेफिनेटली आपसे क्रैक हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरा 5 ईयर का एक्सपीरियंस है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर इंजीनियर को प्लेस करने का इंडस्ट्री में। तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया तो आपसे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। और लगता है आपको कि आपको इतना आ रहा है और आप नहीं क्रैक कर पा रहे हो, तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना है, पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा और डेफिनेटली आपको क्रैक करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या आप चाहते हो ऐसे भी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मिलती रहे, तो नीचे कमेंट करके और लाइक करके हमारे हौसले को थोड़ा सा बढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत।